केएल राहुल को सरेआम डांटने वाले संजू गोयनका की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स में अब दरार शुरू हो चुकी है। टीम में टीम के खिलाड़ी अपने कप्तान के साथ हैं और इसका खुला ऐलान सबसे पहले किया है नबीन उलहक ने। नबीन उलहक जो विवादों में रहे थे पिछले सीजन में, लेकिन इस बार उन्होंने कप्तान के कंधे से कंधा मिलाया है। हैदराबाद के खिलाफ लखनऊ की हार होती है, संजू गोयनका ने केएल राहुल को फटकार लगा दी। सबके सामने लगभग 5 मिनट तक वो केएल राहुल को डांटते रहे और केएल राहुल अगर वहां कुछ बोल भी पाते तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो उन्हें चुप करा दे रहे थे। लेकिन इन तमाम चीजों की जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं और फैंस और हर किसी का अपना अलग अलग उस पर रिएक्शन आता है। ब्रेटली ने तो ये भी कह दिया कि भाई ये चीजें यहां पर नहीं होनी चाहिए थी, ये चीजें ड्रेसिंग रूम के अंदर होनी चाहिए थी। वहीं मोहम्मद शमी ने भी इस पर बयान दिया कि ये शर्म करने वाली बात है। और भी तमाम क्रिकेटरों ने उस वक्त कमेंट्री कर रहे स्कॉट स्टैरिस ने भी यही कहा कि शायद ये चीजें यहां पर नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद ये देखना बाकी था कि टीम के खिलाड़ियों का रिएक्शन क्या होता है। नबीन उलहक ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई जिसमें उन्होंने कप्तान केएल राहुल के साथ एक फोटो लगा रखी है और उसमें उन्होंने दिल बनाकर एक इमोजी डाल रखी है। यानी कि साफ तौर पर नबीन उलहक का ऐलान है कि भाई मैं अपने कप्तान के साथ हूं और साफ तौर पर ये लखनऊ की टीम में बगावत का इशारा करने वाली तस्वीर है, क्योंकि जिस तरीके से लखनऊ के ऑनर ने वो काम किया है उसको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। खिलाड़ियों को लेकर बगावत की खबर पहले भी चर्चा में थी, क्योंकि एक दिन पहले ही खबर ये भी निकलकर सामने आती है कि ये जो पूरा वाकया हुआ है इससे लखनऊ का खेमा कहीं ना कहीं, जो खिलाड़ी तो नाराज है पर मैनेजमेंट कहीं ना कहीं इस पर एक्शन ले रहा हो, कह रहा है कि भाई केएल राहुल अगर कप्तान भी नहीं रहना चाहते तो हमें कोई दिक्कत नहीं, एज ए खिलाड़ी खेल ले। लेकिन जब खिलाड़ियों की नाराजगी सामने आती है तो फिर मैनेजमेंट की तरफ से ये बयान सामने आ जाता है कि भाई वही हमारे कप्तान रहेंगे अगले 2 मुकाबलों में भी। लेकिन फिर से फैंस की ये रिक्वेस्ट आ जाती है कि भाई केएल राहुल अब आपको यहां पर रुकना नहीं है, ये इतना अपमान के बाद उन्हें टीम में बने नहीं रहना है, कप्तानी ही नहीं लखनऊ छोड़ो केएल राहुल। इस तरीके से सोशल मीडिया इस तरीके की पोस्ट से भरा पड़ा है। खिलाड़ियों का सपोर्ट और फैंस का सपोर्ट, क्या केएल राहुल अगले सीजन लखनऊ के साथ रहेंगे? क्या केएल राहुल जो बाकी के 2 मुकाबले बचे हुए हैं लखनऊ की टीम के उसमें वो कप्तानी करते नजर आएंगे? ये सवाल ऐसा है जो इस वक्त हर किसी के जहन में घूम रहा है, लेकिन देखना पड़ेगा क्योंकि दोनों मुकाबले मस्ट विन मुकाबले हैं लखनऊ के लिए और जिस तरीके का वाकया हुआ है उसे कहीं ना कहीं एक ऐसा मैसेज गया है जो लखनऊ की टीम के आने वाले मुकाबलों के लिए जीतने की उम्मीदों को धूमिल करता है। लेकिन आपको क्या लगता है, केएल राहुल को लखनऊ की टीम में बना रहना चाहिए या लखनऊ टीम का साथ छोड़ देना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।